हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी प्रैक्टिकल। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हो कि आप सब एकदम मस्त होंगे और आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है डैगमार। डैगमार का फुल फॉर्म यहाँ पर है, और अगर डैगमार आप जान रहे हैं कि आपने नहीं पता है कि आपने कहाँ पर पढ़ा है डैगमार, तो मैं बता देता हूँ यार। डैगमार देखिए, सबसे पहले तो लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डैगमार एक्चुअली है क्या, क्योंकि उनको पता है कि डैगमार इनको एडवर्टाइजिंग के अंदर पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि डैगमार के फुल फॉर्म से आपको या बहुत सारे लोगों को हो सके कि कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि डैगमार है क्या एक्चुअली, क्यों एडवर्टाइजिंग का पार्ट है और क्यों इसका सारा मामला एडवर्टाइजिंग के कहाँ है, मतलब वेयर इज इट। तो यही क्वेश्चन है जो कि आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आप लोग को, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है सही में तो एक लाइक ज़रूर मार के जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मत चिंता मत करो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज़रा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो कि क्या आपको चाहिए किस टॉपिक पर वीडियो, जिस पे कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ और वो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ जाके बताओ जल्दी से, ताकि मैं उस पे जल्दी से वीडियो बना सकूँ। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं डैगमार। तो डैगमार का फुल फॉर्म तो सबसे पहले जान लेते हैं, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। अब ये मत पूछना कि यार फॉर का एफ कहाँ गया है, सो सिंपल क्वेश्चंस। तो डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स मतलब कि हम लोग अपने ही गोल्स, मतलब एडवर्टाइजिंग के जो गोल्स हैं, कंपनी है जो भी एडवर्टाइजिंग गोल्स सेट करती है कि हमें यहाँ एडवर्टाइज करने हैं, यहाँ पेपर पे इतनी बार, यहाँ टीवी पे इतनी बार, यहाँ न्यूज़पेपर पे इतनी बार, यहाँ टीवी चैनल्स पे इतनी बार, मीडियाज पे इतनी बार, तो ये सारे आपके एडवर्टाइजिंग है। ये तो आप जान रहे होंगे, ये सारे एडवर्टाइजमेंट मेथड्स है जो कि एक बिजनेस अपनाता है अपने आप को मार्केट करने के लिए। तो जब आप डिफाइन कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजिंग गोल्स को कि आप अपने एडवर्टाइजिंग के साथ क्या चाह रहे हैं, अगर आपने एक महीने तक टीवी पर एडवर्टाइजिंग दिखाई तो उससे आप क्या चाह रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स हो, कितने लोग जाएं, कितना सेल्स आपका बढ़े, वो आपके गोल्स हुए। और उसके साथ जो आगे बढ़ता है डैगमार में, इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। मतलब कि हमें खाली मेजर करना है हमारा जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं एडवर्टाइजिंग के। मतलब कि मान लीजिए हमारे 5 लाख लोगों तक रीच किया हमारे, मान लीजिए फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है, तो फेसबुक एड्स के थ्रू हमने 5 लाख लोगों तक रीच किया, तो हमारा एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स क्या निकला, 5 लाख लोगों तक रीच करना। अब हमारा जो गोल हमने सेट किया था ये 5 लाख लोगों तक पहुंचने से पहले कि इतना सेल्स हो, इतना कन्वर्जन हो, इतना लीड जनरेट हो, इतना लोग हमारे बारे में जाने, तो ये हो गया आपके एडवर्टाइजिंग गोल। तो क्या वो पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोटिस किया जाता है। खाली सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आपको एडवर्टाइजिंग में देखना जा रहा है डैगमार के अंदर, कि क्या आपका एडवर्टाइजिंग गोल जो आपने सेट किया था अपने एडवर्टाइजिंग मींस लॉन्च आउट करने से पहले, रिवील करने के पहले, तो जो उसके रिजल्ट्स निकले कि हाँ हमारे रिजल्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग से, हमारे 5 लाख रीच आउट है, 10 लाख इंप्रेशन आए, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, तो उससे कंपनी को उसके गोल्स फुलफिल हुए कि नहीं, सबसे बड़ा तो अचीवमेंट यही है ना बॉस। क्योंकि हर कंपनी को यही चाहिए कि उसका रिजल्ट्स अचीव हो रहा है कि नहीं, जो उसने सेट किया, जो उसका सेल्स है, जो उसका प्रॉफिट है, जो उसके खर्चे हैं, वो सब निकल रहे हैं कि नहीं, यही सबसे मेन क्वेश्चंस है। तो ये डैगमार पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है डैगमार की, आप जाकर उसको चेकआउट करें। अगर आपको थ्योरी असाइनमेंट्स, पीपीटीज, ग्रुप असाइनमेंट्स या कुछ ऐसा आपको अपने एग्जाम्स के भी पढ़ना है तो आपको बहुत यूजफुल होगी और मदद भी देगी। और इसके साथ डैगमार में यही बचा है पढ़ने को कि अगर आप एडवर्टाइजिंग्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं और आपको डैगमार डिफाइन करने आ जाता है, तो आप डैगमार का ये डिफिनेशन जो मैंने आपको समझाया है अपने भाषा में या तो लिख सकते हैं या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया है, थ्योरीज के लिंक दिए हुए, आप जाकर के उसको चेकआउट करें। और इसके साथ आप डैगमार के कुछ बेसिक एडवांटेजेस लिख सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या है ये जान लेते हैं। डैगमार के एडवांटेजेस बेसिकली ये है कि जब आप डैगमार को स्टडी करते हैं या डैगमार के थ्रू कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग करती है, तो उससे सबसे पहले तो उसके पैसे बचते हैं, रुपए बचते हैं, डॉलर्स बचते हैं, जो भी कह लीजिए, कंपनी के बच रहे हैं। अब ये क्यों बच रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी पूछ सकते हैं क्यों बच रहे हैं भैया पैसे। पैसे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए बच रहे पैसे क्योंकि जो हमने रिजल्ट्स निकाले उसके हिसाब से हमें कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती है। हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स मेजर किए उसके हिसाब से हमारे गोल्स अचीव हुए कि नहीं हुए। और उसके अलावा आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सीसी कॉस्ट कटिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने गोल्स के हिसाब से अपने रिजल्ट्स के हिसाब से अपने गोल सेट कर सकते हैं या गोल्स के हिसाब से रिजल्ट भी सेट कर सकते हैं, दोनों हो सकता है।
यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में होते हैं और आप जानते हैं कि मुझे इतना गोल्स मिल रहा है, तो मैं आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कम रिजल्ट्स के चलते भी मुझे इतना गोल मिल रहा है, मेरा अपना गोल पूरा हो जा रहा है, तो मैं उस पर भी ध्यान दे सकता हूँ। तो आप वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे और अपने काम पे, अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान दे पाएंगे। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट डैगमार। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रुके हुए क्यों हैं, मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो मैं सॉल्व करके देता हूँ, नहीं सॉल्व होगी तो मैं किसी एक्सपर्ट से राय लूँगा, किसी से पूछूंगा, अपने प्रोफेसर से और किसी से, दोस्तों से, या और कोई फाइवर में ढूंढ करके कोई एक्सपर्ट ढूंढ के लाऊंगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।